था, लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार ने यहां लागू नहीं होने दिया। महिला सुरक्षा को सशक्त करने के लिए पूरे देश में महिला हेल्पलाइन स्थापित की गई है, लेकिन टीएमसी सरकार इसे लेकर भी गंभीर नहीं है। बहनों को धुएं से मुक्ति दिलाने के लिए पूरे देश में 10 करोड़ मुफ्त उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं। गरीब परिवार की बहनों को केंद्र सरकार सस्ता सिलेंडर दे रही है। यहां पश्चिम बंगाल में भी इसके लिए 13 लाख एप्लीकेशन आई है, लेकिन इसके लिए हर जिले में जो उज्ज्वला कमेटी बनानी होती है वो तक टीएमसी सरकार नहीं बना रही है। ये चाहते हैं कि केंद्र की योजनाओं का लाभ किसे मिले, ये भी टीएमसी के तोलाबाज ही तय करेंगे। गरीब के घर की योजना को भी ये लोग तोलाबाजों के अधीन देना चाहते हैं। हर घर नल योजना में भी ये लोग तोलाबाजों का दखल चाहते हैं। आप सपने में भी नहीं सोच सकते, लेकिन यहां 25 लाख ये मेरे बंगाल के नौजवान, ये आंकड़ा याद रखिए और घर घर जाके बताइए, बताएंगे घर घर जाके बताएंगे। मनरेगा में 25 लाख फर्जी मनरेगा जॉब कार्ड बनाए गए, जो पैदा नहीं हुआ था उसका कार्ड बना दिया। जो पैसा गांव में गरीब मजदूर को मिलना चाहिए था उसको टीएमसी के तोलाबाजों ने लूट लिया। साथियों, टीएमसी की लगातार कोशिश है कि केंद्र सरकार की योजना पर अपना स्टिकर लगाएं और हर स्कीम को जरा देशवासी भी सुन ले। ये बंगाल की क्या पहचान बन गई है, यहां की टीएमसी ने बंगाल को कैसे बदनाम किया है, टीएमसी में किस प्रकार के कारनामे चल रहे हैं, आपको जानकर के चौंक जाएंगे। ये टीएमसी सरकार हर स्कीम को स्कैम में बदल लेती है। स्कीम को स्कैम में बदलने में टीएमसी की मास्टरी है। भाजपा की केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल के 6 करोड़ मेरे भाई बहनों को मुफ्त राशन दे रही है। आने वाले 5 वर्ष तक ये योजना चलती रहेगी, ये मोदी की गारंटी है। एटा मोदी गारंटी, एटा मोदी गारंटी। लेकिन इस योजना पर भी टीएमसी के लोग अपना स्टिकर लगाते हैं। ये लोग गरीबों का राशन लूटने से भी पीछे नहीं रह रहे। साथियों, आने वाले 5 वर्षों में भाजपा सरकार पूरे देश में निवेश और नौकरी के अनगिनत नए अवसर बनाने वाली है। ये समय पश्चिम बंगाल के लिए भी अभूतपूर्व बदलाव का है, लेकिन इसके लिए आपको शुरुआत इसी लोकसभा चुनाव से करनी होगी।
करेंगे करेंगे करेंगे। बांग्लार विकास होवे तबे देशार विकास होवे। इसलिए इस बार 42 की 42 सीटों पर कमल खिलना चाहिए और देश में अब की बार जरूर होगा। एक बार एनडीए सरकार 405। भाइयों बहनों, अब टीएमसी का मतलब ही बदल गया है। टीएमसी का मतलब है तू मैं करप्शन ही करप्शन। साथियों, आप सब मेरा ही काम करेंगे, पक्का करेंगे, सभी नौजवान करेंगे, पक्का वादा करने वाले हैं। देखिए, गांव-गांव में जाना होगा, अगले 100 दिन तक एक-एक घर जाएंगे, 100 दिन तक लोगों को मिलते रहेंगे, मिलकर को ये बताएंगे, मैं जो कहूंगा वो उनको बताना। मोदी जी आए थे, मोदी जी ने आपको प्रणाम भेजा है, कह देंगे मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे, पक्का पहुंचा देंगे। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। मैं फिर एक बार, जगह कम पड़ने के कारण आपको जो दिक्कत हुई है, संख्या बहुत बड़ी आई है, आप आगे आने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही मुश्किल हो गया आप लोगों को। इसलिए जो आपको दिक्कत हुई है, मैं आपका सेवक हूं, आपके सेवक के नाते मैं फिर एक बार आपकी क्षमा मांगता हूं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। কৃষ্ণনগরের মাটিতে তাকে আমরা পেলাম।